आज की इस वाली वीडियो में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं उन भाइयों के लिए जो भाई लॉन्ड्री पे काम करना चाहते हैं। लॉन्ड्री का मतलब अरबी में मगासिल होता, मतलब कि मकसला, मकसला अल मलाबिस, मतलब कि जहां पे कपड़े वगैरह धुलते हैं। तो इस वाली वीडियो में जितनी भी अपडेट बताऊंगा मैं, और उसमें से किसी भी अपडेट पर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर की डिजिट मेरे को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बस ये सिंपल सा तरीका है। और एक दो दिन के बाद ये वीडियो फेसबुक पर आए तो इसकी कोई भी अपडेट वैलिड नहीं रहेगी, ये मैं पहले बता रहा हूँ। अभी दो कैंडिडेट चाहिए ऐसे जो कि लॉन्ड्री पे काम कर सके। 10 घंटे की इसमें ड्यूटी करके देनी पड़ेगी आपको। दोनों तरह के आपके पासपोर्ट चलेंगे, जैसे कि ECR एंड ECNR। रूम मिलेगा इसमें लॉन्ड्री की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से। एज लिमिट 21 से लेकर 35 तक की चाहिए। और लॉन्ड्री पे काम करने का सैलरी पैकेज मिलेगा 130 ओमानी रियाल। अब 130 ओमानी रियाल सैलरी पैकेज में खाना आपकी तरफ से हो गया। बाकी आप 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद ओवर टाइम करें या नहीं करें वो आपका मैटर है, मेरा नहीं। मेरे पास जो अपडेट थी वो मैंने बता दी। अब अगली अपडेट उन भाइयों के लिए है जो मदीने के अंदर काम करना चाहते हैं। तो मदीना में जरूरत है अभी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को ड्राइवर की। रूम मिलेगा मुअस्सिसे की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से। अब आप उसमें कम का खाएं या फिर ज्यादा का खाएं वो आपके ऊपर डिपेंड है। टाइल मेसन को पहली बार आने पर मिलेगा 1500 सऊदी रियाल, मतलब कि फ्रेश कैंडिडेट को 1500 सऊदी रियाल सैलरी पैकेज मिलेगा। 1500 सऊदी रियाल सैलरी पैकेज के साथ साथ इसमें आपको 10 घंटे की ड्यूटी करके देनी पड़ेगी। हाँ, इतना है, 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद आप ओवर टाइम कर सकते हैं, बट ओवर टाइम करें या नहीं करें वो आपका मैटर है, मेरा नहीं। अभी अपडेट उन भाइयों के लिए है जो दम्माम के अंदर आना चाहते हैं वर्कशॉप पे काम करने के लिए। अभी एक वर्षा है दम्माम के अंदर, उसी वर्षा पे चाहिए ऑटो इलेक्ट्रीशियन, मतलब कि गाड़ियों का इलेक्ट्रीशियन चाहिए। फ्रेश और रिटर्न इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग सैलरी पैकेज है। 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी आपको वर्कशॉप पे। रूम मिलेगा वर्कशॉप की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से। अब आप उसमें कम का खाएं या फिर ज्यादा खाएं वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन को यहाँ पर फ्रेश में सैलरी पैकेज मिलेगा 1800 सऊदी रियाल, और जो भाई रिटर्न है उसको सैलरी पैकेज मिलेगा 2500 सऊदी रियाल। अब 1800 और 2500 में खाना अपनी ही तरफ से रहेगा। एज लिमिट 21 से लेकर 40 तक की होनी चाहिए ऑटो इलेक्ट्रीशियन की। तो अगर आप में से कोई भी भाई फ्रेश और रिटर्न ऑटो इलेक्ट्रीशियन है और वो आना चाहते हैं दम्माम के अंदर एक वर्कशॉप पे काम करने के लिए, तो कॉन्टेक्ट कर लें। जिन भाइयों के पास ऑलरेडी नंबर है वीजा वाले भाई का, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस वीजा के लिए। जिन भाइयों के पास नहीं है तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे से कॉन्टेक्ट कैसे करना मैं वो इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दी हूँ। अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा होगा तब आपके समझ में नहीं आएगा कि मैंने कहाँ बताया कॉन्टेक्ट करने के लिए, और अगर आपने स्किप करके नहीं देखा होगा तब आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई बंदे ने बताया क्या है और मेरे को कहाँ पे कॉन्टेक्ट करना है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अपडेट उन भाइयों के लिए है जो मुर्गी फार्म और मजरे में काम करने के लिए आना चाहते हैं। तो अलजबरी पोल्ट्री फार्म है अल कसीम सऊदी अरब के अंदर, उसी में चाहिए पोल्ट्री फार्म लेबर एंड वेजिटेबल फार्म लेबर, मतलब कि सब्जी वगैरह है, कोई बकरी वगैरह कुछ नहीं है उसमें। अब यहाँ पर जो कंडीशन मैं बता देता हूँ आपको, आपको 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी दोनों कामों में। आपकी एज लिमिट 21 से लेकर 35 तक की होनी चाहिए। वीजा वकाला बिल्कुल रेडी है, इमीडिएटली डिपार्चर करना होगा। एकोमोडेशन आपको मिलेगा पोल्ट्री फार्म की तरफ से, खाना रहेगा उसमें उधर से ही। सैलरी पैकेज इसमें मिलेगा 1000 सऊदी रियाल प्लस खाना। अभी यहाँ पे खाना जो है सूखा ही मिलेगा, सूखा खाना बोले तो ऑलमोस्ट जहाँ तक मेरा ख्याल है अनाज वगैरह वो दे दिया जाएगा आपको, वो आपको बना के खुद खाना पड़ेगा इस तरीके से जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो अगर आप में से भी कोई भी भाई मजरे में और वेजिटेबल फार्म में आना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट अभी है हाउस ड्राइवर की। अगर आप में से कोई भी भाई रियाद के अंदर आना चाहता है 1500 सऊदी रियाल सैलरी पैकेज पे ड्राइविंग करने के लिए, तो ये अपडेट सिर्फ आपके लिए है। अभी एक फैमिली को एक हाउस ड्राइवर की जरूरत है रियाद के अंदर। ओपन ड्यूटी रहेगी क्योंकि ड्यूटी का कोई भी टाइम टेबल नहीं होता। दोनों तरह के इसमें आपके पासपोर्ट चलेंगे, जैसे ECR एंड ECNR। रूम मिलेगा घर की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से। सैलरी पैकेज ये फैमिली देगी 1500 सऊदी रियाल, लेकिन एज लिमिट 25 से लेकर 35 तक के बीच की ही होनी चाहिए। सिर्फ मुस्लिम ही कैंडिडेट चाहिए। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो कॉन्टेक्ट कर लें। नेक्स्ट अपडेट उन भाइयों के लिए है जो टिग एंड आर्क वेल्डर हैं। अभी टिग और आर्क वेल्डर चाहिए रियाद सऊदी अरबिया के लिए। इसमें जो है 10 घंटे की ड्यूटी करके देनी पड़ेगी, 22 से लेकर 35 तक की एज लिमिट चाहिए। ओनली मुस्लिम ही कैंडिडेट चाहिए और कैंडिडेट चाहिए पूरे 20 इस कंपनी के लिए। सैलरी पैकेज मिलेगा 2200 सऊदी रियाल, और 2200 रियाल के बाद में हो सकता है आपको ज्यादा भी मिले, बट वो मिलेगा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अगर आप में से कोई भी भाई है टिग एंड आर्क वेल्डर
और जाना चाहता है साउथ द्वीप के अंदर तो कॉन्टेक्ट कर लें। कॉन्टेक्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ सिंपल सा तरीका, आप उस तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है अभी रियाज सऊदी अरबिया के लिए, रियाज सऊदी अरब के लिए अभी चाहिए 5 हाउस ड्राइवर। हाउस ड्राइवर को सेले पैकेज मिलेगा पूरे 1800 सऊदी रियाल और 1800 सऊदी रियाल सेले पैकेज की गारंटी रहेगी, जिसमें कि दोनों तरह के पासपोर्ट चलेंगे ECR एंड ECNR। रूम मिलेगा इसमें घर की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से। अब आप उसमें कम का खाएं या फिर ज्यादा खाएं वो उसमें आपकी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर हाउस ड्राइवर वो ही चाहिए जो सऊदी अरब से रिटर्न है विद लाइसेंस के साथ। अब लाइसेंस वैलिड है या फिर एक्सपायर है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइसेंस होना जरूरी है। और आपकी एज लिमिट इसमें 21 से लेकर सिर्फ 40 तक की चलेगी। तो अगर आप में से कोई भी भाई है हाउस ड्राइवर और आना चाहता है वो रियाद के अंदर तो कॉन्टेक्ट कर लें। कॉन्टेक्ट करने का सिंपल सा तरीका मैं एक बार आपको और बता दे रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल नंबर के डिजिट, अगर आप इस वीडियो के किसी भी अपडेट पर एग्री आने के लिए तब। नेक्स्ट अपडेट है अभी रियाद सऊदी अरबिया के लिए मुअस्सिसा अल मुनाजुल, ये एक मुअस्सिसा है रियाद के अंदर। इसी मुअस्सिसा में जरूरत है फर्नीचर कारपेंटर की। दो कैंडिडेट चाहिए फर्नीचर कारपेंटर वाले, लेकिन इनको जो है इंटीरियर डिजाइन का नॉलेज होना जरूरी है, मतलब की जानकारी होनी जरूरी है। और ये जो है बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट चाहिए। इस मुअस्सिसा में आपको 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद आपको ओवर टाइम मिलेगा, प्लस आपको एकोमोडेशन भी मिलेगा, खाना उसमें अपनी तरफ से रहेगा। और फ्रेश फर्नीचर कारपेंटर को जिसको इंटीरियर डिजाइन की जानकारी है उसको सेले पैकेज मिलेगा 1600 सऊदी रियाल। अब 1600 में खाना अपनी तरफ से रहेगा। अभी एक नया ड्राइवर चाहिए दमाम सऊदी अरब के लिए। अगर आप में से कोई भी भाई आना चाहता है तो इस अपडेट को गौर से देख लें। इसमें आपको 1400 सऊदी रियाल से लेकर 1500 सऊदी रियाल सेले पैकेज तक मिल जाएगा। डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस पर, आप कैसी गाड़ी चलाते हैं। रूम मिलेगा घर की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से। अब आप उसमें कम का खाएं या फिर ज्यादा खाएं वो आपके ऊपर डिपेंड है। दोनों तरह के पासपोर्ट चल जाएंगे आपके। ओपन ड्यूटी रहेगी क्योंकि फैमिली ड्राइविंग में ड्यूटी का कोई भी टाइम टेबल नहीं होता। आपकी एज लिमिट 28 से लेकर 35 तक की होनी चाहिए, प्लस आप हिंदू कैंडिडेट होने चाहिए, क्योंकि ये अपडेट सिर्फ हिंदू कैंडिडेट की है और उस फैमिली को सिर्फ हिंदू ही कैंडिडेट चाहिए। तो अगर आप में से ऐसा कोई कैंडिडेट है आना चाहता तो कॉन्टेक्ट कर लें। नेक्स्ट अपडेट है अभी ताइप सऊदी अरब के लिए। ताइप में जरूरत है एक मुअस्सिसे को डक्ट टेक्नीशियन की। अगर आप में से कोई भी भाई डक्ट टेक्नीशियन है और आना चाहते हैं ताइप के अंदर तो आ सकते हैं। इसमें सेले पैकेज 1400 सऊदी रियाल के साथ साथ 200 सऊदी रियाल अलग से मिलेगा, मतलब की टोटल 1600 सऊदी रियाल मिलेगा। 10 घंटे की ड्यूटी करके देनी पड़ेगी। 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद आपको ओवर टाइम मिलेगा, एकोमोडेशन मिलेगा। अब 1600 सऊदी रियाल सेले पैकेज में खाना आपकी तरफ से हो गया। अब आप उसमें कम का खाएं या फिर ज्यादा खाएं वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप में से कोई भी आना चाहता है तो कॉन्टेक्ट कर लें। जरूरत है अभी गेस्ट हाउस में काम करने वाले लड़कों की। अब इसमें जो है कैंडिडेट को काम करना होगा गेस्ट हाउस में, और ये डिमांड है नजरान सऊदी अरबिया के लिए। आपको रूम मिलेगा गेस्ट हाउस की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से, बाकी उधर से भी मिलता रहेगा, क्योंकि इसमें काम करने वाला चाहिए इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। तो अगर आप में से कोई भी भाई इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है और वो आना चाहता है एक गेस्ट हाउस में काम करने के लिए इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बिंग का, तो कॉन्टेक्ट कर लें। इलेक्ट्रीशियन पूरा होना चाहिए और लगभग 30-40% उसको प्लम्बिंग का काम आना चाहिए। तो अगर इस तरीके से कोई कैंडिडेट है और वो आना चाहता है नजरान सऊदी अरब के अंदर तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट और फाइनल ये अपडेट उन भाइयों के लिए है जो मदीना सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग करने के लिए जाना चाहते हैं पहली बार। इसमें आपको सेले पैकेज मिलेगा 1500 सऊदी रियाल और 1500 सऊदी रियाल सेले पैकेज के साथ साथ इसमें आपको खाना अपनी तरफ से खाना पड़ेगा। ओपन ड्यूटी रहेगी क्योंकि ड्यूटी का कोई भी टाइम टेबल नहीं होता फैमिली ड्राइविंग में। गूगल मैप्स का नॉलेज होना जरूरी है। दोनों तरह के पासपोर्ट चलेंगे ECR एंड ECNR। रूम मिलेगा उसमें घर की तरफ से, खाना रहेगा 1500 रियाल में अपनी तरफ से। एज लिमिट ड्राइवर की होनी चाहिए 35 से लेकर 40 के बीच की, उससे कम उम्र वाला कोई भी कैंडिडेट नहीं चाहिए। तो अगर आप में से भी कोई भाई मदीना सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग करने के लिए आना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर लें। इन सभी अपडेटों में आप उन भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिन भाइयों के पास ऑलरेडी नंबर है वीजे वाले भाई का। जिनके पास नहीं है तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे से कॉन्टेक्ट करने का सिंपल सा तरीका कि आप इसी वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने मोबाइल नंबर के डिजिट को इंग्लिश में टाइपिंग करके दे सकते हैं। बस इतना सा आसान तरीका है ये कॉन्टेक्ट करने का। आप इस तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिन भाइयों की अलग अलग अपडेट है मैं उनसे आपका कॉन्टेक्ट करा दूंगा। बस दैट्स इट। ये अपडेट उन भाइयों के लिए है जो ओमान के अंदर पैकिंग के काम में जाना चाहते हैं। इसकी मैं रील्स भी लगाया हूँ और शॉर्ट्स भी लगाया हूँ यूट्यूब पर, तो इसलिए ये कल की अपडेट है। ये वीडियो कल की है लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला इसलिए एडिट भी नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा इस वीडियो को थोड़ा और लॉन्ग कर लिया जाए। तो सबसे पहले डिमांड है ओमान के लिए पैकिंग लेबर की। लेबर को जो है दालें मसाले फूड स्टफ पैक करना होगा। 10 घंटे की ड्यूटी है। 10 घंटा ड्यूटी करने के साथ साथ आपको खाना भी फ्री मिलेगा, इसमें रहने का आपको कंपनी देगी ही। दोनों तरह के इसमें पासपोर्ट चलेंगे। एज लिमिट
आपकी चाहिए इक्कीस से लेकर 40 तक की। सेले पैकेज मिलेगा 140 ओमानी रियाल और 140 ओमानी रियाल सेले पैकेज के साथ साथ खाना भी फ्री मिल रहा है आपको। तो अगर आप में से कोई भी भाई ओमान के अंदर पैकिंग हेल्पर में जाना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि आप अपने मोबाइल नंबर के डिजिट इंग्लिश में टाइपिंग करके दे सकते हैं, जैसे 9345678 जो भी हो। नेक्स्ट डिमांड है अभी उन भाइयों के लिए जो दम्माम के अंदर आना चाहते हैं मजरे में काम करने के लिए, तो मजरा लेबर की डिमांड है दम्माम के अंदर। इसमें फ्रेश कैंडिडेट चाहिए, 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी, 23 से लेकर 38 तक की एज लिमिट चाहिए कैंडिडेट की। हिंदू मुस्लिम दोनों भाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो है वीजा रेडी है, इमीडिएटली डिपार्चर करना होगा। तो अगर आप में से कोई भी भाई आना चाहता है 1200 सऊदी रियाल सेले पैकेज पर तो कॉन्टेक्ट कर लें। खाना 1200 में अपनी तरफ से है क्योंकि खाना अपना ही होता। दूसरी बात, सेले पैकेज मजरे में काम करने वाले भाइयों का इतना ही होता है जितना कि मैंने बताया। किसी भी भाई को अगर कम लग रहा है तो आप इस पर ट्राई ना कीजिए। नेक्स्ट डिमांड है अभी ओमान के अंदर मार्बल फैक्ट्री हेल्पर की। नेक्स्ट डिमांड है अभी ओमान के अंदर मार्बल फैक्ट्री में लेबर की। इसमें कैटेगरी रहेगी हेल्पर, इसमें खाना पीना रहना सब मिलेगा आपको कंपनी की तरफ से। ड्यूटी करनी पड़ेगी 10 घंटे, 6 दिन काम करना हफ्ते में और 6 दिन के बाद आपको एक दिन की छुट्टी मिलेगी। रूम मिलेगा इसमें कंपनी की तरफ से। सेले पैकेज मिलेगा 90 ओमानी रियाल। अब जो भाई कहते हैं 800 से 900 रियाल का खाने का खर्च होता है गल्फ कंट्री में, तो 90 ओमानी रियाल और जोड़ लो, मतलब कि 170 या 180 ओमानी रियाल सेले पैकेज मिला लेबर का। तो अगर आप में से कोई भी भाई इंटरेस्टेड है ओमान में मार्बल फैक्ट्री में काम करने के लिए तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट कैसे करना है इससे पहली अपडेट में मैं बताऊँ, आप उस तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब एक अपडेट ऐसी और बता रहा हूँ जिसमें कि खाना पीना सब कंपनी की तरफ से मिलेगा। अब जो भाई कहते हैं ना 800 से 900 रियाल का खाने का खर्च होता है, तो इसमें भी 800 से 900 रियाल का खाने का खर्च है। डिमांड अभी ओमान के अंदर क्लीनर की, मतलब कि साफ सफाई वाले कैंडिडेट चाहिए, मतलब कि साफ सफाई का काम करने वाले कैंडिडेट चाहिए। इसमें आपको 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी और 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद इसमें आपको ओवर टाइम मिलेगा, बट ओवर टाइम वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करें या नहीं करें। दोनों तरह के इसमें आपके पासपोर्ट चलेंगे, जैसे ECR एंड ECNR। रूम मिलेगा कंपनी की तरफ से, खाना भी मिलेगा कंपनी की तरफ से। और सेले पैकेज की बात करें तो इसमें सेले पैकेज मिलेगा 100 ओमानी रियाल सेले पैकेज के साथ साथ इसमें खाना भी फ्री मिल रहा। अब जो भाई कहते हैं कि 800 से 900 रियाल का खाने का खर्च होता गल्फ कंट्री में, तो 80 या 90 ओमानी रियाल इसमें जोड़ लो, मतलब कि 180 से 190 ओमानी रियाल सेले पैकेज मिला साफ सफाई वाले कैंडिडेट का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट कर लें। नेक्स्ट अपडेट है उन भाइयों के लिए जो जद्दा सऊदी अरब के अंदर वेटर का काम करने के लिए आना चाहते हैं एक रेस्टोरेंट में। तो एक बड़े से रेस्टोरेंट में जद्दा के अंदर डिमांड है वेटर की। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है इंडिया का वेटर का। फ्रेश ही कैंडिडेट चाहिए, गल्फ रिटर्न कैंडिडेट इसमें नहीं चाहिए। गुड स्पीकिंग इंग्लिश चाहिए, क्योंकि ये होटल की डिमांड नहीं है बल्कि रेस्टोरेंट की डिमांड। और रेस्टोरेंट में तो जाहिर सी बात है आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज वाले कैंडिडेट रेस्टोरेंट में आते हैं। सिर्फ मुस्लिम ही कैंडिडेट चाहिए। अब इसमें भी खाना रेस्टोरेंट की तरफ से मिल रहा और सेले पैकेज मिल रहा है वेटर का 1200 सऊदी रियाल। अब जो भाई कहते हैं 800 से 900 रियाल का खाने का खर्च होता, तो 1200 प्लस 800 से 900 मतलब कि 2100 सऊदी रियाल सेले पैकेज मिल रहा है वेटर के काम में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इतने सेले पैकेज पे तो आ सकते हैं।